नमस्ते दोस्तों, बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहां हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुरवचल्ला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। दरअसल हनुमान जी ने विशेष परिस्थिति के कारण यह विवाह किया था। आइए आपको बताते हैं कि हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ था और क्यों। पराशर ऋषि की कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने सूर्य देव से 9 विद्या प्राप्त करने का निश्चय किया था। सूर्य देवता ने 9 प्रमुख विद्याओं में से हनुमान जी को 5 विद्याएं सिखाई दी, लेकिन बाकी 4 विद्याओं को सिखाने के समय एक बाधा उत्पन्न हो गई। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था और उन विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना जरूरी था। तब हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उनसे विवाह करने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। हनुमान जी से किस कन्या का विवाह किया जाए, अब वे समस्या सामने आई। तब सूर्य देव ने अपने ही परम तेजस्वी पुत्री सुरवचल्ला से हनुमान को शादी करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद हनुमान की और सुरवचल्ला का विवाह संपन्न हुआ। सुरवचल्ला परम तपस्वी थी। विवाह के बाद सुरवचल्ला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई, तो वहीं हनुमान जी भी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुरवचल्ला के साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। वहाँ दर्शन करने से शादीशुदा जिंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। धन्यवाद।